जय श्री राम। सभी मेरे चैनल को देखने वाले यूट्यूबर्स को, व्यूवर्स को सादर नमस्कार। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को बहुत ही पसंद किया। काफ़ी लाइक और व्यूज़ आपकी तरफ से मुझे प्राप्त हुए हैं और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपके हर कमेंट्स का और फ़ोन कॉल पे आपकी समस्याओं का जितना भी जानता हूं समाधान कर सकूं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप लोगों के स्नेह के कारण मेरे 41,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी प्रकार आप अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। आओ आज चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर मैं आप सब लोगों को एक परिवार की तरह मानता हूं और जो भी मैं जानता हूं वो चीज़ें, वो अच्छी अच्छी बातें आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाए। अब हम आज चर्चा कर रहे हैं वो है दीपावली के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली का महापर्व 2-3 दिन बाद में आने वाला है, तो सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कई लोगों के मेरे पास में फ़ोन कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी दीपावली पर हम क्या साधना करें, क्या नहीं करें। तो मित्रों, जैसा कि शास्त्र विधि है, शास्त्र में वर्णित है, वो ही वैदिक तरीके और सरल तरीके मैं आपको बताऊंगा, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करें। और इस आर्थिक युग में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो धन की ही है। बिना धन के हम कोई भी किसी भी प्रकार का धार्मिक पारिवारिक आयोजन नहीं कर सकते हैं। तो आइए, कैसे मनाएं माँ लक्ष्मी को और क्या क्या साधना, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं दीपावली पर। साधना के लिए ये 4 रात्रियां बताई गई है मित्रों। दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि जो कि दीपावली की रात्रि है वह काल रात्रि कहलाती है। मोहरात्रि जो जन्माष्टमी की रात्रि है वह मोहरात्रि कहलाती है। काल रात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि है वो महारात्रि कहलाती है। और जो अंतिम है दारुण रात्रि, तो होलिका की जो रात होती है वो दारुण रात्रि कहलाती है। और ये चारों रात्रियां ही सिद्धि प्रदान करने वाली है। इस दिन हम अपने इष्ट मंत्र का, साबर मंत्र का या और भी अन्य कोई साधना करना चाहें वो कर सकते हैं। साधारण जो गृहस्थी लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उनको दीपावली की रात को श्री सूक्त के पाठ करने चाहिए, गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए, कनक धारा स्तोत्र के पाठ करने चाहिए। इनकी आप आवृत्ति करें, 11 से लेकर के 108 आवृत्ति करने पर माँ लक्ष्मी की अत्यंत कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन धन धान्य और वैभव से परिपूर्ण हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, मैं जो आपको इस चैनल पे बताऊंगा वो शास्त्र सम्मत और अनुभव की हुई विधि ही बताऊंगा, इसमें कोई भी अन्यथा लेस मात्र भी झूठ नहीं होगा। तो आप पूर्ण श्रद्धा से आप अब की बार इस महापर्व पे, इस काल रात्रि पे श्री सूक्त के गोपाल सहस्त्र नाम के कनक धारा स्तोत्र के पाठ कीजिए। श्री सूक्त से, गाय के घृत से, बिल्वगिरी से और कमल गट्टे से हवन कीजिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए आपको कमल गट्टे की या स्फटक की माला ग्रहण करनी चाहिए, उससे मातेश्वरी अत्यंत और अति शीघ्र प्रसन्न होती है। मित्रों, और भी जो साधक लोग हैं वो इस दिन, इस रात्रि को उपासना कर सकते हैं। जो भैरव साधक हैं, भैरव स्तोत्र, भैरव मंत्रों के जाप और पाठ इस रात्रि को कर सकते हैं, इससे उनको विशेष कृपा प्राप्ति होगी। और भी अन्य प्रकार के जो लोग साबर मंत्रों का प्रयोग करते हैं, इस रात्रि को उन साबर मंत्रों की आवृत्ति कीजिए, उससे मंत्रों में नई प्राण शक्ति पैदा होगी, नई ऊर्जा, नई चेतना आपको मिलेगी। दीपावली की रात्रि को किए जाने वाले ये कार्य मैंने आपको बताए हैं। दीपावली आपको मंगलमय हो, धनदायक हो, सुखदायक, सिद्धिदायक हो, इसी कामना के साथ में जय श्री राम।